जब आपके घर में कोई पाइप लीक हो जाता है या आपके बाइक में कोई पंचर हो जाता है तो वो धीरे धीरे तेजी को समझेगा, वो ही मार्केट से 100% पैसा लेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और मार्केट जो इतनी तेजी में है जिसका कारण किसी को भी नहीं पता और कोई भी इसके कारण को नहीं खोज पा रहा है कि मार्केट इतनी तेजी में कैसे, और सारे के सारे जो शेयर कभी नहीं चले उन्होंने 2 से 3 रुपये की छलांग आज कैसे मार दी और लगातार कल से ही सब चीज़ गिरिनता की ओर जाती रही है। जो इस तेजी को समझेगा वो ही मार्केट से 100% पैसा लेगा, क्योंकि इस मार्केट में अपना सबसे पहले पैसे को बचाने का जो एक हिसाब किताब होता है वो आपको अपने लालच को त्याग कर ही आएगा। अगर आपने इस मार्केट तेजी की मार्केट में अपने को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो भी शेयर है अब ये इतनी तेजी क्यों पकड़ रही है, जहां दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का साया भारत में बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ जो कोरोना 2020 में आपकी मार्केट को नीचे की तरफ लेके चला गया था उसका साया भी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ग्रीनता ये समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया में अगर आज 2 से 3 रुपये की इसने उछाल मारने की कोशिश की है तो उसका कोई भी मकसद ऐसा नहीं है कि ये आपको 25 से 30 रुपए के टारगेट बहुत जल्दी दिखाएगा। मैंने आपको कहा था कि ये आपको 19, 20, 21 लास्ट आपको टारगेट दिखा सकता है, लेकिन उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपको अपने रिस्क के साथ खेलना पड़ेगा, और जिसने ये काम कर लिया वही आपको इस मार्केट से पैसा कमाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जब हम कोई शेयर लेते हैं सर, वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता रहता है तो हमारे पैसों को वो डबल करने की संभावना हमारे माइंड में एक स्टाम्प की तरह लिख देता है कि बस अब तो ये डबल होने वाले हमारे पैसे हैं। वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि जब तक के लोग तेजी में रहते हैं तो चुपचाप बैठ जाओ और उनको देखो कि कितनी तेजी के हिसाब से वो पैसा लगा रहे हैं। यानी कि समझो, जब लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं तो वहाँ पर बैठ जाना चाहिए, और जहाँ लोग डर जाते हैं वहाँ पर आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। तो ख़रीदारी करने का मौका सर अभी नहीं है, अभी तो आपको अपने प्रॉफिट लेने का मौका है। और वोडाफोन आइडिया में लोग कहेंगे कि सर ये तो 2-3 रुपये बढ़ गया, ये तो बस लेना ही है इसको, तो समझो उसके आसपास के शेयर भी देखो जो कभी नहीं बढ़ते थे वो भी आज आपको गिरिनता में नज़र आए होंगे। जब आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको अलग से प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि जब आपके घर में कोई पाइप लीक हो जाता है या आपके बाइक में कोई पंचर हो जाता है तो वो धीरे धीरे आपको इशारा दे रहा है कि जल्दी से रिपेयर करने का समय आ गया है, लेकिन वो हवा बड़ी तेज़ी से बाहर निकलती है, बड़ी तेज़ी से पानी बाहर निकलेगा, लेकिन उसको आपको समझना है, वो एक इशारा दे रहा है कि उसको जल्दी से सही करना है। तो ये भी इशारा दे रहा है कि जब तेज़ी की तरफ जा रहा है तो ये इशारा दे रहा है कि आपको डरना है। अब डरने का मौका वोडाफोन आइडिया में आ चुका है। जितने भी एक्सपर्ट हैं सर आपको ये जरूर कहते हुए मिलेंगे एक दो दिन के अंदर कि इसमें ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ जिसकी वजह से ये इतनी तेजी में है। और वैसे कह भी रहे न्यूज़ चैनल में कि बड़ा ही रिस्की शेयर है और बड़ा ही आपको प्रॉफिट भी दे सकता है, लेकिन उसमें वही एंट्री करें जो रिस्क को झेल सकते हों, और जितना पैसा आपका डूब जाए आप इसके अंदर लगा सकते हों, क्योंकि जो भी सिचुएशन अभी की हाल ही की बन रही है वो बिल्कुल भी नहीं इसमें इन्वेस्ट करने की बन रही है। लेकिन आएंगे 2-4 लोग आएंगे और कहेंगे कि सर ये तो बढ़ता ही जा रहा है अब क्या करें, तो उनको मैं कहने वाला हूँ कि थोड़ा सब्र, और सब्र का फल मीठा होगा, और सारी बातें जो भी कही जा रही हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में आपको नज़र आएगी कि जो अब ये बातें की गई हैं ये आपको इशारा दे रहे हैं, और इशारा के साथ ही आपको बताया जा रहा है कि जितने भी सारे शेयर हैं सर सब गिरिनता में हैं,
हमने तो सर अपने हिसाब से शेयरों को आज सेल किया है, और कई लोगों ने मेरे से कांटेक्ट करके भी अपने प्रॉफिट को लिया है, और प्रॉफिट को जो भी ले लेता है वही उसका अपना होता, नहीं तो लगाया लगाया पैसा भी आपको रेट तक की तरफ नजर आएगा। तो एक खबर सर निकल के ये आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए, जो एक पॉजिटिव है, जो वोडाफोन आइडिया के बॉन्ड धारक हैं जिनका ब्याज 13 दिसंबर से 2022 मार्च तक के 6000 करोड़ रुपए बैठता है, उसे वोडाफोन आइडिया ने बिल्कुल ही हासिल कर लिया है, यानी कि उनको देने के लिए 6000 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं वोडाफोन आइडिया ने। ये पॉजिटिव न्यूज़, जिसके कारण ये कहा गया है कि इसके शेयरों में तेज़ी आई है, क्योंकि इन्होंने कर्जा देने का, इंटरेस्ट देने का जो एक पैसा इकट्ठा कर लिया है वही इसके शेयरों में तेज़ी लाया है। और थोड़ा बहुत जो आपको पता ही है कि ऑपरेटर जो इसके अंदर करते हैं वो भी आसानी से इसमें काम करते जा रहे हैं, तो संभालने की स्थिति सर वोडाफोन आइडिया में खुद को आने वाली है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब तक के आप अकेले नहीं हो, जब तक के आप अपने दिमाग से ये नहीं सोचते कि मैं अकेला हूं, जहां आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं अकेला हूं, तो समझ लो वहीं पर आप सच में अकेले हो जाओगे। और आपको मैं बता दूं, जब भी आप अकेले होते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मेरे साथ सब हैं, और मेरे साथ एक शक्ति जो होती है पॉजिटिव वाली वो आपके साथ हमेशा रहेगी। उसके अनुसार ही आपको अपने अंदर एक तलाश करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अकेले रहकर ही रास्ते बनाए जाते हैं, और सबके साथ अगर रास्ते बनाओगे तो नाम उनका भी आएगा बनाने में। इसलिए सबसे पहले अपने रास्ते अलग अकेला मत समझें, एक शक्ति ऐसे अपने पास रखें जो आपको कहे कि ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ करना है, और वही चीज़ शक्ति आपको एक दिन लोगों से अलग करेगी और दुनिया में आपकी वाह वाही जरूर होगी। क्योंकि अभी की तेज़ी में अगर आपने सोच लिया कि मैं 2 रुपये मुझे प्रॉफिट हो गया, समझ लो सर यही धोखा आपको फिर पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो इतने बड़े बड़े लोग हो चुके हैं जो तेज़ी में बैठ जाते हैं, सर कुछ ना कुछ तो बात होगी उनके अंदर जो पहले समझ जाते हैं कि अभी बढ़ रहा है, बढ़ने तो हमें तो अपने पैसे को सेव करना है। तो सबसे पहले अपने पैसे को सेव करने की एक चीज़ बनाइए, जो आज की वीडियो है सर, इसी कारण है क्योंकि तेज़ी की मार्केट में ही ना हमें आता है, और उस फंसने के चक्कर में ही एक जो लॉस हो जाता है बाद में हम कहते हैं कि ओ वोडाफोन आइडिया ने हमें फंसा दिया या किसी शेयर ने हमें फंसा दिया, तो वो कोई किसी को शेयर नहीं फंसाता सर, हम खुद ही फंस जाते हैं। और जब हम फंस जाते हैं तो तभी हमको पुराने दिन याद आते हैं, और जब करेंटली हम अच्छी स्थिति में हो जाते हैं तब हम पुराने दिन को भूल जाते हैं। वही कारण हमें एक गिरावट की चीज़ देता है, वो आपको जल्दी से जल्दी इस शेयर में नज़र आएगा। अब ये नहीं कि मैं इसको बेकार शेयर बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों की सिचुएशन बता रहा हूँ, और ये आपको एक अच्छा शेयर भी हासिल होगा सर, ये बहुत अच्छा ग्रीन तक की तरफ जाएगा। लेकिन 80% लोग इस तरह के मार्केट में हैं जो तेज़ी के भाव में शेयरों को ख़रीद लेते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। तो फंसना किस में नहीं है सर, अपनी स्थिति को मजबूत करनी है, और अपनी स्थिति को मजबूत करके ही शेयरों में काम करना है और सारी बातों को समझना है, क्योंकि 1-2 रुपये में कहीं आपका भला नहीं होने वाला, और 1-2 रुपये गिरावट में कहीं आपका नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन नुकसान वहाँ होता है जब आपका हृदय टूट जाता है कि अब ये शेयर तो 5 रुपये में जा रहा है, अब हम क्या करें। तो समझिए सर 5 रुपये तक भी ये शेयर गया था, और वो तब गया था तब भी इसके अंदर अच्छे अच्छे काम हो रहे थे, फिर निगेटिव न्यूज़ आती है, निगेटिव न्यूज़ ही शेयरों को नीचे जाने के लिए प्रेरित करती है, और वो न्यूज़ तो सर कभी ना कभी जब मार्केट में काम करते हैं आती रहती है। उस निगेटिव न्यूज़ में ही आपको अच्छी चीज़ें तलाश करनी चाहिए, फिलहाल तेज़ी में आपको शांति से रहना चाहिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।